हे गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक और नई ब्लॉग में। सुबह हो गई है, प्रांशु जा रहा है स्कूल, मेरे हो रहा है सिर में दर्द और 6:20 हो रही है। फटाफट से इसको स्कूल भेजूँ मैं। सुबह सुबह स्कूल का काम रहता है। प्रांशु को चलती थी तो जर्सी पहली थे ना, रहने आते तो जर्सी पहन के जावे होकर पहनी है ना। फिर फटाफट लेट क्यों कर रहा थी वो छोटे बच्चे, दो जात का वो चले गई। तो यहाँ पर जो ये जर्सी पहना है, फटाफट इसको मैं भेज दूँ पहले, फिर मिलूँगी मैं आपको बाद में। तो गाइस, मैं आई हूँ अभी नाश्ता बनाने। मैं कैसी लग रही हूँ आज पता नहीं, अजीब अजीब सी लग रही हूँ। नाश्ते में बन रहा है हमारे यहाँ चना आलू और चना आलू उबल रहे हैं कुकर में। कुकर की वो होती है ना ढक्कन की लगाने की, ऐसे पीछे से। अब पता नहीं कहाँ गिर गई वो, मैंने कुकर साफ किया और पता नहीं चटकनी सी है ना कहाँ गिर गई है। अब कुकर का ढक्कन भी नहीं लग पा रहा। अब मैंने भुथरी ढूंढी, मिली नहीं कहीं। अब ऐसे ही मतलब भगवना में उबालते हैं ना, ऐसे ही उबल रहा है। देख लो, दिख रहा है उसकी चटकनी सी, पता नहीं कहाँ निकल के गिर गई है। तो जब तक ये उबलेंगे तब तक मैं अपना फोन सेट कर लूँ यहीं पर। तो गाइस, चना आलू की सब्जी बन चुकी है। चाट आलू की सब्जी नहीं, चाट बनाई है। नाश्ते में यही चलेगी आज हमारे घर। मैं नाश्ता बन के हो चुका रेडी, मैं भी नाश्ता कर लूँ, जतन को भी करवा लूँ। पीना सब हो चुका है, अभी बज रहे हैं 2। प्रांशु आ चुका है, प्रांशु चला रहा है फोन। अरे तो तू का कछु कह रहा होगा उसे। तो गाइस, अभी बज रहे हैं 2 दोपहर के। प्रांशु आ चुका है स्कूल से और अभी बनाई मैंने खिचड़ी। कोई देखी क्यों यार कट आ रहा बाहर? नहीं, की आवाज आ रही है। दोनों भैया यहाँ पे आराम कर रहे हैं, मैं खा रही नींबू। जतिन खा रहा था तो मैंने भी ले लिया इससे आधा नींबू। पता किस लिए खा रही हूँ मैं? क्योंकि मैं खाता हूँ थायराइड की दवाई, और थायराइड की दवाई से क्या है, खुश्की सी हो गई है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो वो एकदम ड्राइनेस सी कर रही है। जीप पे जो लार सी होती है ना, वो भी ख़त्म हो गई है। तो सांस लेने में मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत सी हो रही है। यहाँ का मौसम भी थोड़ा खुशक जैसा है महाराष्ट्र का। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी नींबू खाने से क्या, थोड़ी लार सी बन जाएगी जीप पे, तो थोड़ा मुझे सांस लेने में थोड़ी अच्छा सा महसूस होगा, तो इसलिए मैं नींबू खा रही हूँ। मैं नींबू फीबू कभी नहीं खाती, मुझे शौक ही नहीं है। ना मैं आम का अचार खाती हूँ और ना मैं नींबू का अचार खाती हूँ। मिर्च का तो खा लेती हूँ कभी कभार, लेकिन खट्टी चीज़ें बहुत ज़्यादा कम खाती हूँ। बहुत ज़्यादा खट्टा लग रहा है। यहाँ पे मोबाइल देख रहे हैं। तो गाइस, प्रांश सो चुका है, मैं जा रही हूँ बालकनी की सफाई करने। दोनों बालकनी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई। चलते हैं फिर, करते हैं सफाई दीपावली की। तो यहाँ पे होगी सफाई, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया। प्रांशु ने अपना पंचिंग बॉक्स उतार दिया नीचे। टांग दे यार, चाहे तो नीचे उतार दे यार, टांग दे यार, कबाड़ी ने मार। एक दिन प्रांशु बहुत दिमाग खराब करता है, काम इतने बिगाड़ते बहुत ज्यादा। क्या जरूरत पड़ रही है निकालने की? गुस्से ऐसी आते हैं तो धूप कर कड़ी खाए। काम करो तो बड़े ना बेर वाले बस ये चीज मैंने कही।
खराब करने में पैदा हुआ एक बार भी लटक रहा है सिर्फ गिर जाएंगे डर लग रहा है। नो मम्मा। तो तुझे टांग है, तुम्हें सांप लगा रही है, एकदम डरावना लग रहा है। पांच जगा दो, वो उठा लो, फिर टांग पाऊंगा। एक पे ना होती। तो वो तो जी जो के जो जहर कर रहा है, जावा तक बार जगा दूं मैं। मेरे पास तो टाइम है, तो मैं बार जगा रही हूं, अपना टाइम वेस्ट करूं। तुम अकेले नहीं सोऊं। हां? अकेले नहीं टांग तू। मेरा लटका मैं मोड़ा करना है इसके साथ। मैं इसे पकड़ लूंगी, तू लेंगे वो कर दियो। चल सफाई तो मैं कर ही रही हूँ, लिया कर काय से करे वाले को तो जग जाओ ना, सच में मारूंगी मैं आज पक्का, नहीं लाके मारूंगी। इसको साकर खोल दिए, देखो तो दोनों साकर इसकी खोल दिए, पंचिंग में के नीचे लटका पड़ा है और उसे एक ही सागर फटक रहा है, चाहे गिर जाए ऊपर, बहुत काम बिगाड़ता है। परंतु तो उसी की वजह से मुझे गुस्सा आ रही है, मैं बता रही हूँ उसकी शरारत बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत काम बिगाड़ता है वो। और आके ऐसे सो जाएगा, ना पढ़ाई करेगा ना कुछ भी करेगा। जल्दी आ जा, रात हो रही है। सही बता, इतने ना आ जाओ, सही रहो, कहाँ तक पकड़ ली तो मैंने, लेकिन छूट गई तो फिर हमें खा लेगी। कहाँ तो शायद लंबी होगी लेकिन है पतली जी। है बाग मुंह में है। हाँ, कहाँ दोनों जिंदे हैं। कहाँ है फिर? छवरिया के पीछे। ओ बाप रे। खटर पड़े हैं मुझे तू भगवान लोगा। झंगा झोटी हरी होगी ना। यहाँ तक तो खाई हो? तो लग रहा हूँ तेरे जिंदे बहुत लगता। अरे तुम ना बहुत कबाड़ा बिखेर के रखता हो। चल जल्दी। स्टूल लेके वहाँ समरवा देने। सफाई रहे करो घर में। एक देख घर इतना पागल पल्ली पड़ गया हमारे कि बस मार्च आ जाए, मार्च आई ना मैं आते भागी ना, ना तो बोर्ड या घर में। आज सच में बहुत परेशान हूँ मैं, ना बोर्ड या घर में, ना अलवारी कपड़ा रखने की। और जल्दबाजी में हमने ये घर पसंद कर लिया, इतना पागल घर हमारे पल्ले पड़ा है, बहुत बेकार घर है ये। सारे कपड़े आप देखो, मैं आपको क्या बताऊँ अपने घर की स्थिति, देखो सारे कपड़े हमारे ऐसे ज़मीन पर पड़े रहते हैं, देख रहे हैं? जो नए नए कपड़ा सारे उसने रख लिए हैं, पूरे कपड़ा ऐसे पड़े रहते हैं जमीन पर। जल्दी मेरे पास इतने पैसा आए तो मैं फिर लोहे की अलमारी खरीदूं। सारा कचरा भर के रख दूं मैं। ओ वाली साफ हो गई। अभी यहाँ पे ना कांतर निकली आई, कांतर और छपकली में हो रही थी लड़ाई, अब समझ नहीं आ रहा कांतर ने छपकली पकड़ रही है, छपकली ने कांतर पकड़ रखी, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से लिपटी पड़ी है और लड़ाई बाज रही है दोनों में। यहाँ टोकरी के पीछे है वो पीली टोकरी दिख रही है, उसके पीछे मेरे को तो ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। आज हमारे घर बोर्ड में आँच लग गई, ये बोर्ड दिख रहा पड़ा हुआ, एक तो जतिन ने चला रहे गाने में चला, फिर मेरा कॉपीराइट आ जाता। मौसम ऐसा है रहा एकदम मन से छट रहा है, वैसे ही मैंने गाने चलाया। नहीं पकड़ी जतिन ने 2 मिनट ब्लॉग इतना वो तो कर रखो है तो
बालकनी का कचरा तो भर दिया, मैं सोच रही हूँ इसको भी साफ कर दूँ। पूरा सामान फालतू का भरा पड़ा है यहाँ। और अभी तो रात हो रही है, मतलब शाम के बज रहे हैं 6, टाइम अभी मिला था सफाई करने का, तो अभी मैंने कचरा भर दिया। ये बाल्टी वगैरह भी धुलेंगी और यहाँ पे भी धुलाई होगी, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, तो ये काम करूँगी मैं कल। बाकी का काम पड़ा है कपड़ों का, तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मैं पहले कपड़ों को मैं रख दूँ। और यहाँ पर कहाँ तक निकल आई है तो मेरी बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ चुकी है किचन में काम करने की, तो मैं अभी जा रही हूँ जतिन के रूम में और यहाँ पे इनको मैं कपड़ों को भरूंगी। तो यहाँ पे आई हूँ मैं, कपड़ों की छटाई कर रही हूँ। मेरे कपड़ा जो फालतू हैं उन्हें मैं रख दूंगी और इसके फालतू हैं उनको भी रख दूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी आ जाती है। तो मैंने इससे बोला कि तू जितने कपड़े चाहिए पहनने के लिए उतने ही निकाल, लेकिन इसके के बहुत ज़्यादा कपड़े निकले रहते हैं और मेरे भी बहुत ही ज़्यादा निकले रहते हैं। पहनती भी मैक्सिमम, लेकिन कपड़े मेरे भी बहुत ज़्यादा निकले रहते हैं, तो आज मैं सारे कपड़ों का काम ही ख़त्म कर दूँगी। ठीक है, दीपावली भी आ रही है और दीपावली की वजह से सफाई भी हो जाएगी, और वैसे भी घर गंदा सा लगता है, कपड़ा वपड़ा फैले रहे हैं, तो अलमारी है नहीं, क्या करें। सौइयों बार हजारियों बार तय मार के रख ली कपड़ों की, एक खेचो 10 गिर जाते हैं, तो फिर वो आलस हो जाता है, फिर वैसे फैले पड़े रहते हैं, क्या करें। ठीक है, मार्च तक तो हमें, मार्च अप्रैल तक तो ऐसे ही बस अपना गुजारा चलाना ही पड़ेगा। और आज कहाँ तरह निकल आई है घर में, उसकी वजह से और डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कपड़ों कपड़ों में आ जाए। चुपली खा रही होगी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मैं यहाँ अपने जल्दी से कपड़े छाँट के और जो भी कपड़े फालते हैं उनको छाँट छूट के अपने टाँड पर रख दूँ एक गठरिया से बना कर। तो गाइस, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी, और जो कपड़ों की तय लगा रही हूँ जो भी बाकी जो काम रह जाएगा वो अगले ब्लॉग में आएगा, क्योंकि ये वाला ब्लॉग मुझे अभी डालना पड़ेगा। ठीक है, इस ब्लॉग से मैं लेती हूँ विदा, मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।